जेल में गायब नहीं है, चिट्ठी निकाल करके दिखाना, इससे बड़े बड़े जादू भी होने वाले हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ ये तो अभी छोटा दज्जाल है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं डेली एक वीडियो हाथ लेकर हाजिर होता हूँ, तो उसी तरह से आज एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर से हाजिर हुआ हूँ। तो उसका टाइटल है आज हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का वीडियो इंटरव्यू किया गया है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है उनको देखने में। लास्ट तक देखने पता ही नहीं चलेगा कि हाँ वीडियो कब एंड हो गया है, इतनी इंटरेस्टिंग है। तो रिप्ले में इनको बागेश्वर बाबा धाम के भी बारे में रिप्ले दिए हैं कि ऐसा क्यों करते हैं। तो चलिए चलते हैं उस वीडियो की तरफ, जिस वीडियो में हमें बहुत ही कुछ जानने के लिए, सीखने के लिए और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा, तो चलते हैं उस वीडियो की तरफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं भी आप तमाम हजरात का मशकूर ममनून हूँ, बरेली शरीफ हाजिर आया। एक बात तो है कि हम यहाँ ग़ुलाम की हैसियत से हाजिर आते हैं, यह मुर्शिद का शहर है, अदब का शहर है, लेकिन अल्लाह का करोड़ा फजल एहसान है कि उसने यहाँ पर भी उन इज़्ज़तों से नवाजा है। ये सिर्फ़ और सिर्फ रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार की, उनके नामूस की नौकरी करने का सदक़ा है, और आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हमने जो सीखा है वो आज हमें नज़र आ रहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बात करो, फिर किसी की नहीं। आला हज़रत ने फरमाया था अपने दिल का है उन्हीं से आराम, सौंपे हैं सब उन्हीं को सब काम, लौ लगी है कि अब उस दर के ग़ुलाम चाह रहे दर्द रज़ा करते हैं। तो आला हज़रत का जो मिशन था वो आज हमें यहाँ पर लेकर के चलना है। बरेली शरीफ में मैंने देखा अल्हम्दुलिल्लाह लाखों का हुजूम, लाखों का हुजूम, कोई गली कोई सड़क खाली नहीं है, और सारे दीवानगान इश्क रसूल मचलते हुए खिराज अकीदत पेश करने आए थे। मुझे रूहानियत में काफ़ी इजाफा महसूस होता है। मुफ्ती साहब, जैसे देखा ही गया है कि कई ऐसे मामले आए कि जैसे आप दीन पे ज़्यादा आपका फोकस रहता है और आप जो राहें रोशन करने वाला काम करते हैं, जो सही बात होती है बताते हैं, लेकिन बीच बीच में इस तरह के मामले भी आए कि जैसे बागेश्वर धाम से जुड़ा हो, इसके पीछे मकसद ये रहा कि जो गलत चीज़ें हो रही हैं उनको ठीक करना है, या ऐसे लोगों से आपको चुनौती मोल लेने में मज़ा आता है? देखिए, चुनौती मोल लिया नहीं जाता कभी, ये बात हो ही नहीं सकती कि आदमी कोई जो है ज़बरदस्ती की चुनौती मोल लेता हो, बल्कि हम चुनौती देते हैं। उन लोगों से हमको क्या चुनौती मोल लेना है जिनकी कोई हैसियत ही नहीं है। हाँ, अगर ताकत और कुव्वत और हुकूमत के बलबूते अगर कोई चीख रहा है, पुकार रहा है और भड़काऊ बातें कर रहा है, तो ये कोई कमाल की बात नहीं। मैं तो इन लोगों के बारे में हमेशा कहता आया हूँ, बैलगाड़ी के नीचे चलने वाले उस कुत्ते की तरह हैं, जो कुत्ता ये समझता है कि पूरी गाड़ी मैं चला रहा हूँ। जब बैल गुजर जाते हैं ना, तब समझ में आता है कि कुत्ता नहीं चला रहा था, उसको तो कोई और चला रहा था। हाँ, तो ये जो है किसी की पुश्त पनाई और किसी की मदद लेकर के अगर चीखते हैं, चिल्लाते हैं, भोंकते हैं, तो ये मुझे लगता है ये चुनौती नहीं है, ये सिर्फ बरसाती पर हैं जो मौसम के साथ गायब हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम उसूलों के साथ कायम हैं, हम ना किसी को छेड़ने का मसलक रखते हैं, ना किसी के साथ आज तक हम लोगों ने इस तरह के खुराफाती माहौल बनाने की कोशिशें की हैं। आज जो कुछ भी आप देख रहे हैं, हमारे जज्बात, मुझे समझ में आ रहा है आप सवाल ये क्यों कर रहे हैं कि चुनौती लेने में आपको मज़ा आता है, ये जज्बात अब बचा कुछ भी नहीं। जिस आदमी का, जिसका सब कुछ आप नोच लें, अब भी क्या वो ना बोले? क्या अभी भी खामोशी इख्तियार करे? हुजूर की शान में, इस्लाम की शान में, कुरान की शान में, रब ताला की शान में ये बकवास कर 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 के ऐसा जहरीला माहौल बना चुके कि अब सेकुलर नाम का कोई नज़र भी नहीं आता। सही बात। तो अब इतना सब माहौल जब क्रिएट किया गया हो, तो क्या मैं अपने कौम की तरफ से, अपनी कम्युनिटी की तरफ से इतना भी नहीं बोल सकता हक बात कि दीन इस्लाम या आजकल का लाया हुआ दीन नहीं है? जिस दिन दुनिया की शुरुआत हुई है उसी दिन मेरा दीन यहाँ आया है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के अब तक इस्लाम है और रहेगा क़यामत तक इंशाअल्लाह। बस यही हमारा मैसेज है, बाकी और किसी को छेड़ना या उनको ज़बरदस्ती उकसाना यह हमारा ये तौर तरीका नहीं, और ना ही मेरा मिशन नहीं है। नहीं, जैसे देखा ही गया कि बागेश्वर धाम जिस तरह से इल्म गैब की बात करते हैं, फिर बीच में आपकी तरफ से रद्द अमल आया,
तो इससे जैसे देखा ये है कि उनकी जो एक फॉलोअर है या उनको जो मानने वाले हैं, उनकी भीड़ है, वो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तादाद मेरे भाई, अंत भक्तों की जो है ना तादाद का कोई एतबार नहीं होता, हर जगह जमा होते हैं। आप कह रहे हैं इल्म गैब की बात, इल्म गैब थोड़ी ना उसको कहते हैं, इल्म गैब नहीं है चिट्ठी निकाल करके दिखाना, इससे बड़े बड़े जादू भी होने वाले हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ ये तो अभी छोटा दज्जाल है। हमने 1400 साल पहले से हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सुना है, हदीसें हैं कि एक दौर ऐसा भी आएगा, इतना बड़ा दज्जाल आएगा कि वो बारिश बरसा के भी दिखाएगा, सब्ज़ा उगा करके भी दिखाएगा, किसी को चीर करके मार करके फिर जिंदा करके भी दिखाएगा। तो हमारा यकीन उन तमाम चीज़ों पर नहीं है, हमारा यकीन रब्बुल आलमीन की ज़ात पर। ये सारी कुव्वतों का मालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। तो ये इल्मे गैब नहीं है, शोबदाबाजी करना, जादूगरी करना, ये तो हमारे हिंदुस्तान में बरसों से चला हुआ है। और अगर कोई करके दिखा देता है तो मतलब किसी के नज़दीक भगवान होता है तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरे नज़दीक कभी नहीं हो सकता। हाँ, जिस तरह से वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं कि ये देश जो है एक दिन नहीं बल्कि अब तो दावा ये किया जाने लगा है कि हिंदू राष्ट्र बन गया है। बन रहा है क्या? बन चुका है, उनके हिसाब से तो सब कुछ हो चुका है, हमें क्या इससे फ़र्क है? उनको ये जो बातें हैं ये सिर्फ और सिर्फ उकसाने के लिए है और पूरी कम्युनिटी के ऊपर ये सियासी रोटियां सेकने के लिए है। मैं हकीकी बात बताऊँ कि ये लोग इन तमाम मामलों में कोई सीरियस नहीं है, कोई सीरियस नहीं है, ना इनको हिंदू राष्ट्र से मतलब है और ना ही कोई, ये अंदरूनी तौर पर सब सिर्फ और सिर्फ लोगों के जज्बात से खेलकर अपने वोट और अपने जमात को मुत्तहिद रखने की कोशिशें करते हैं। और मैं तो यही कहता हूँ, आज भी हमारे लिए तो ये बात है कि हम तो टूटी फूटी जमात के हैं, 14% तुम्हारी तादाद के हिसाब से हिंदुस्तान में हैं, लेकिन फिर भी अपनी कौम को, तुम्हारी पूरी कौम को डराने के लिए हमारा ही नाम इस्तेमाल करना पड़ता है। हाँ, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे समा हमारा। हाँ, तो ये हमारे लिए कोई मसला नहीं है, वो इस तरह की बहुत सारी बातें बहुत बरसों से आई हैं, आती रहेंगी, लेकिन इस्लाम पहले भी उसी तरह लहलहाता था, है और रहेगा इंशाल्लाह। जैसे हर तरफ से ये आवाज़ आ रही है कि माहौल जो है, हालात हैं, वो साजगार नहीं है, लेकिन इनका हल क्या है? ये जुमला जो है ना, आप अपने बाप से अपने दादा से भी पूछे होते ना तो वो भी यही कहते हैं, उनके ज़माने में भी हालात साजगार नहीं थे। उनके दादाओं से भी पूछे होते तो वो भी यही बोलते, हालात साजगार नहीं थे। तो ये जो है ना 1400 साल से ये जुमला तो चला आ रहा है, हालात साजगार नहीं थे। आज आप कह रहे हैं हालात साजगार नहीं थे, करबला के मैदान में क्या हालात साजगार थे? हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब बद्र के लिए निकले थे, हालात साजगार थे? उहद के मैदान में क्या हालात साजगार थे? हालात के साजगार होने का ये जो मसला लोगों के दिमाग में डाला गया मुसलमानों को, मैं निकालना चाहता हूँ कि निकालो, सतीजा कार रहा है अजल से ताइम रोज़, शरार बू लहबी से चराग मुस्तफ़वी, हमेशा ये हक व बातिल की जंग चलती रही है। और हम जो है इस मसलक के मानने वाले हैं कि हम क्वांटिटी नहीं देखते, क्वालिटी देखते, क्वालिटी देखते। हाँ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सिपाही ईमान और यकीन के साथ रहते हैं, वो तादाद पे, असबाब पे और ये तमाम साजो सामान पे भरोसा करके नहीं जीते। आज भी जो आप कह रहे हैं हालात साजगार, ये हर ज़माने में हालात साजगार हमारे लिए रहे ही नहीं, कभी नहीं रहे हालात साजगार, कभी नहीं होंगे। और इसीलिए आपको और दूसरे लोगों को मैं मैसेज ये देना चाहूँगा, मुसलमानों अगर इंतज़ार करते रहोगे हालात साजगार हो जाएं, साजगार हो जाएं, मर जाओगे और कुछ नहीं होना है। गाड़ी चलाना सीखना है तो ट्रैफिक में ही चलाना होगा, सीख जाओगे। और इन्हीं हालात में आपको चल करके बताना है कि ईमान की ताकत क्या है। नहीं, जैसे क्या मतलब नहीं समझ पाया कि क्या मुसलमान मैसेज यही दिया है आपको, हालात साजगार होने का दावा, ये जो नारा है इसको जहन से निकालो, और ये कभी साजगार नहीं होंगे हमारे लिए। इन्हीं हालात के दरमियान हमको हमारे ईमान के साथ जमे रहना है, हमें हमारे अखलाक को छोड़ना नहीं है, हमें हुजूर पाक की सुन्नतों से दूर होना नहीं है। आंधियाँ आ जाएँ, तूफ़ान आ जाए तो क्या आप अपना घर छोड़ के भाग जाएँगे? इसी तरह से अगर आज हालात साजगार के तौर पर आप समझ रहे हैं तो आपको न दीन से हटने की ज़रूरत है, न हुजूर के अखलाक से हटने की ज़रूरत है।
आज भी हुजूर के अखलाक पर कायम रहो, हालात आएंगे और बदल जाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन पॉलिटिकल उसकी बात हो रही है कि जिस तरह से पॉलिटिकल एक माहौल बना है उसको लेकर तमाम तरह से सवाल खड़े किए जा रहे हैं और हर तरफ से ये आवाज़ आ रही है कि शायद ये माहौल अब बदलेगा नहीं। आपको अगर मैं बताऊं, ये पॉलिटिकल माहौल इतना बनाया गया है, ऐसा हो गया है, जहर हो गया है, ठीक है, आपने तारीख पढ़ी है, चंगेज़ खान से ज़्यादा तो हालात ख़राब नहीं किए गए होंगे अभी, हलाकू से ज़्यादा तो बर्बादियां नहीं की गई होंगी अभी, उन्होंने तो पूरे हमारी खोपड़ियों से मीनार बना दिए थे, हमारे खून से तो बगदाद को नहला दिया था, तो ये सब तो जुल्म देखा है हमारी तारीख ने। तो अब पॉलिटिकल एतबार से अगर ये इतना सब कुछ बना चुके हैं तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, 100 साल पहले 1925 की बात कर रहा हूँ मैं आपको, हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह का खुतबा है, एक खुतबा सदारत, आपने किसी एक कॉन्फ्रेंस में खुतबा दिया था, ये उसकी बातें आप पढ़ें तो आपको ऐसा लगेगा वो इस ज़माने की बात कर रहे हैं, अभी 2023 की बात कर रहे हैं। उस वक्त 1925 में उन्होंने फरमाया कि हालात ऐसे हो गए हैं कि इन लोगों ने सियासी माहौल बना दिया है, जगह जगह कत्ल के मंसूबे हो रहे हैं, मुसलमानों का बहिष्कार करने के प्लान हैं, मंसूबे हैं, जमातें हैं, ये सारी बातें वो पढ़ने के बाद मैंने सोचा 1925 में ये हालात थे तो 2023 में बदले कहाँ हैं, और अगर 100 साल पहले भी ऐसा ही था तब भी इस्लाम ऐसे ही था, चल रहा था हमारी सब कुछ, तो फिर अब मुझे डर नहीं, आज भी ये जितना भोंकना है भोंक लें, इस्लाम सुबह क़यामत तक चलेगा इंशाल्लाह। नहीं, जो सियासी लड़ाई है वो मुसलमानों को खुद लड़नी पड़ेगी और इस दौर से हटकर अपने आप को सेफ कर सकते हैं। अब देखिए, एक सियासत का एक मौजू अलग है, मुसलमानों को सियासी शऊर बेदार कर लेना चाहिए, अब तक ये बहुत ग़ुलामी के दौर में गुजरते गए और इनका माइंड ऐसा बना दिया गया है कि अब इनको ऐसा लगता है कि जैसे दिमाग में ये बिठा दिया गया, बीजेपी और कांग्रेस, ये समझने लग गए कि बीजेपी मौत का फरिश्ता, कांग्रेस जो है अमन का मसीहा, दोनों भी मैं नहीं मानता, ना ये मौत ला सकते हैं और ना ये अमन ला सकते हैं, हमारे लिए नहीं, आपको अपना सियासी शऊर बेदार करना है, ये सब जो है ना लॉलीपॉप दे करके हमारे साथ खेलने वाले हैं जो 70 साल से खेलते आए, मुसलमानों को ना ही ये आगे बढ़ने दिए, ना क़यादत करने दिए और ना ही अपनी कम्युनिटी की तरफ से आए हुए मसाइल को आप आगे तक बात करने की इन्होंने कभी हिम्मत जुटाई, दूसरे सारे लोगों के उनको राज़ी रखने के लिए ये सब कुछ करने को तैयार, लेकिन मुसलमानों के बारे में इनको पता है ये छोटी छोटी चीज़ों पर राज़ी हो जाएंगे, हाँ इनके ऊपर जो कुछ भी बला आएगी हम नहीं बोलेंगे पार्लियामेंट में, इनको बाद में हम घर पर बुला के दावत करके मना लेंगे, ये सियासत चलती है, इसके लिए मुसलमानों को चाहिए कि अपना सियासी शऊर बदलें और अपनी सियासत की लड़ाई वो खुद लड़ें। लेकिन कैसे हो सकता है, एक तरफ 80% जैसे चुनाव में भी ये नारा दिया गया कि 80 और 20 की लड़ाई है, अच्छा तो कैसे ये लड़ी जाएगी कि एक तरफ 80 और एक तरफ 20। एक हॉस्टल में बहुत सारे जो हॉस्टल में रहने वाले थे उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया वार्डन के खिलाफ, सुबह रोज़ाना खिचड़ी बनती थी और खिचड़ी पसंद नहीं थी, तो सारे लोगों ने वार्डन से शिकायत की कि हमको खिचड़ी नहीं चाहिए, दूसरा कुछ बनाओ नाश्ते, सुनिए मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, तो वार्डन ने कहा कि ठीक है सारे स्टूडेंट जितने हैं सब जमा हो जाओ देखते हैं, और कुछ स्टूडेंट थे वो कहते थे नहीं हमको खिचड़ी ही चाहिए, हमको खिचड़ी चाहिए, तो वार्डन ने जब ये कहा कि मैं अब वोट करूँगा, जो सारे जितने नौजवान ये स्टूडेंट्स हैं आए अपना अपना पक्ष रखें, तो अब इख्तियार जब दिया गया ना तो सारे स्टूडेंट जो है ना अलग अलग अंदाज में अपनी अपनी इच्छाएं रखने लगे, 13% ने एक अलग नाश्ते का नाम लिया, 15% ने एक अलग नाश्ते का नाम लिया, 12% ने एक अलग, 80% लोग खिचड़ी के खिलाफ थे लेकिन वो सब इसमें गटे, बाद में वो 20% जो खिचड़ी वाले थे वो मुत्तफिक थे, बाद को जब रिज़ल्ट निकला तो वार्डन ने कहा 80% तो ये ख़िलाफ़ हैं लेकिन एक नाश्ते पे जमा नहीं है, तो नाश्ता वही बनेगा जो ये 20% चाहते हैं। एक मौजू पे बहुत तफसील से इस बार चर्चा हुई है, चाहे वो जामतुल रज़ा हो या इस्लामिया का मैदान हो, जिस तरह से सोशल मीडिया से कुछ चीज़ें ख़राब हो रही हैं उसी में ये जुड़ा कि अब एक ये जो जिस तरह बात हो रही है कि जो मुस्लिम लड़कियाँ हैं वो एक ऐसा रास्ता चुन रही हैं जो फ़िक्र की बात है बहुत, तो उस पर सब ने अपनी अपनी राय दी है, तो क्या आपको क्या लगता है कि इसका क्या हल हो सकता है?
इल्म से दूरी जो है यही सबब है, दीन के माहौल से दूरी ये सबब है। घरों में दीन का माहौल कायम रखना चाहिए। बच्चियाँ उमूमन होता क्या है मालूम है, नौजवान मर्द हजरात सारे जुमा में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, उलमा की तकारीर सुनते हैं, जलसों में जाते हैं, औरतों को ये माहौल मिल नहीं पाता। और औरतें क्या है, कंटिन्यू इनको आप टेलीविज़न पे लगा करके रखे हैं, सीरियल देख रहे हैं, फिल्में देख रही हैं, और इनके यहाँ दीन का माहौल आने से रह जाता है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, अक्सर घरों में बाकी नौजवान जुमा जुमा कहीं तो जा करके उलमा से सुन लेते हैं या दीन के माहौल में आ जाते हैं। तो इसका मेन हल यही है कि घरों के अंदर दीनी माहौल कायम करें, ये माँ बाप की ज़िम्मेदारी है। और जब बार बार अपनी बच्चियों की तरबियत दीन के माहौल में करेंगे तो इंशाल्लाह ये बला नहीं आएगी, ये बला नहीं आएगी। हाँ, अल्लाह ताला हमारी बच्चियों की हिफाजत फरमाए। आप जिस तरह साफ गोई से बोलते हैं तो दूसरों की नज़र में तो खटकते ही हैं, लेकिन कभी कभी आप अपनों का भी निशाना बन जाते हैं, तो क्या ये सिलसिला चलता रहेगा या आपकी तरफ से कोई ऐसा लाए अमल तय होगा कि नहीं अब ऐसा नहीं करना? मैं गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ आपके सवालात पर। फराज़ का एक शेर है, मैं तो मक्तल में भी किस्मत का सिकंदर निकला, कुरए फाल मेरे नाम का अक्सर निकला, शहर वालों की मोहब्बत का कायल हूँ मगर मैंने जिस हाथ को चूमा वही खंजर निकला। ये फराज़ ने कहा था, तो इससे होदा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन अपनों की आप बता रहे हैं निशाना, तो हो सकता है वो मोहब्बत में या किसी तरह मेरी इसलाह के लिए करते हों, मैं उनसे बेजार नहीं हूँ और ना ही उनसे मेरा कोई मसला है। हाँ, और दूसरों के नज़रों में अगर खटकता है तो खटकता रहने दें, कोई मसला नहीं है। और यही चीज़ दीन की खिदमत के लिए हमारे लिए काफ़ी है। अल्लाह तबारक व ताला हमें इसी तरह से बनाए रखे कि दुश्मनान रसूल के लिए हम कभी नरम ना हों और अपनों के लिए अल्लाह ताला हमेशा हमें नरम रखे। तो देखा दोस्तों आपने, इतनी लंबी वीडियो पता ही नहीं चला कि कब ख़त्म हो गई, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों ये बात तो सच है कि हम जुमा जुमा जाके तकरीर सुन के ईमान ताज़ा कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमारे घर की औरतें कि माहौल ऐसा है कि वो दीन की बातें कहीं सुन नहीं पाती है, इसलिए उनकी उनके अंदर कोई बदलाव नहीं आता है, वो इस्लाम में ढलते नहीं हैं। एक मिनट, हाँ वेरी गुड, बदलाव नहीं आता है उनके उस माहौल के अंदर, ढलते नहीं हैं। तो बेशक ये हम सबको चाहिए कि दीन की बातें हम खुद सीखें और घर में भी चर्चा करें, घर में भी बताएं ताकि वो जाने अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए क्या कहें, आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएंगे ये वीडियो आपको कैसा लगा। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें मोटिवेशन कीजिए, हमें एक लाइक तो ज़रूर कीजिए। अस्सलामुअलैकुम।